नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और आपके नोट्स रेडी हैं? अभी असेसमेंट तो कंप्लीट हो गया, अभी नोट्स, क्योंकि सेकंड अभी फर्स्ट सेम के लिए भी तो तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए भी तो नोट्स चाहिए ना। अच्छा, और बताइए, आपने वीडियो देखा कदम का पेड़? कितना अच्छा वो बच्चा कह रहा है कि मेरा सपना है कि यही पेड़ होता यमुना के तीरे और मैं कृष्ण होता और मेरी माँ मेरे को रिझाती और मैं पत्तों के बीच में छुप जाता और मेरी माँ मेरे को बुलाती, काना काना नीचे आ जा, माखन दही मिश्री तेरे लिए मैं लाई हूँ, तेरे को खिलाने आई हूँ। आपने वो कंप्लीट वीडियो देख लिया ना? अच्छा, आज उसका आप रीडिंग करना चाहेंगे, और जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे ना, तो आप भी इमेजिन करेंगे कि मैं हूँ छोटा काना और वो और मेरी माँ जो है वो मैया है और उसे मैं बुलाता ही रहूँगा। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, कहाँ है मेरा माखन मिश्री, है ना? आप कैरेक्टर में चले जाओगे ना, उसके बाद अगर जैसे जैसे रीड करते जाओगे तो आप रीडिंग करना पसंद करोगे ना अभी मेरे साथ में। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं रीडिंग कदम का पेड़। तो बच्चों, आप सब रेडी हैं अपने बुक के साथ? और जहाँ पर भी आपको नए शब्द दिखें उधर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और वही नए शब्द आप किस में नोट डाउन करेंगे? यस, अपनी कॉपी में। तो चलिए साथ में रीडिंग करते हैं, ओके? सॉरी बेटा, कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कदम का पेड़ अगर मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देख के काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छुप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने मिश्री माखन दूध मलाई दूंगी। अब आगे की ओर, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता। सॉरी बेटा, बहुत बुलाने पर भी माँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार के माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा
वहीं पेड़ के नीचे, वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं, धीरे धीरे आता तुम और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती, फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो आपने देखा कैसे बच्चा बता रहा है अपना ड्रीम, अपना विश कि तुम मेरी मैया होती और मैं तुम्हारा कान्हा होता, और कैसे हम लोग खेल खेलते और मैं नीचे उतरता, तुम मुझे माखन मिश्री खिलाती, जब मैं पत्तों के बीच में छुप जाता तो तुम नीचे ध्यान लगाए बैठ जाती, और जब मैं नीचे आता तो तुम मुझे अपनी गोद में ही खिलखिला हुआ पाती। आपको रीडिंग समझ में आया? यस। तो एक छोटा सा हम लोग वर्कशीट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, शब्दार्थ के रूप में। लेकिन इस कविता की सीख क्या है? माँ की ममता अनमोल है, कहीं पर भी आपको अपने माता पिता जैसा प्यार और स्नेह नहीं मिल सकता, वो प्रेशियस है, वो अनमोल है। आइए छोटा सा वर्कशीट करते हैं हम लोग शब्दार्थ के रूप में। यमुना तीरे मतलब यमुना नदी के किनारे, विनती प्रार्थना। आज मेरी माँ ने मेरे लिए विनती की, प्रार्थना की कि मेरा बच्चा बहुत होशियार बने और नेक बने। आंखें मीचे, आंखें बंद करके, आप जब भी प्रेयर करते हो तो कैसे करते हो? आंखें बंद करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंखें मीचे। विकल व्याकुल बेचैन, अरे जब मैं देरी से आया था ना बारिश में स्कूल से, मेरी माँ बड़ी व्याकुल हो गई मेरे लिए। समझ में आया इसका मतलब? विकल और व्याकुल का मतलब क्या होता है? हृदय दिल से, अरे बेटा हृदय से, बाय हार्ट से तुम ये कविता लर्न करना, दिल से पोएम को याद करना, ठीक है। बंसी, अच्छा कौन बंसरी बजाता है? काना बजाते हैं ना बांसुरी, उसको बोलते हैं, ठीक है। कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान, काना कृष्ण ये सब उनके नाम हैं, किसके? लॉर्ड कृष्णा के। मुरलीधर भी बोलते हैं ना उसको। पसार कर फैला कर, मेरी माँ आंचल फैला कर बैठी थी मुझे बिठाने के लिए, मुझे छुपाने के लिए। डाली टहनी, मैं पेड़ की डाली टहनी के ऊपर बैठा था, क्या तोड़ने के लिए? पत्ते नहीं, फल तोड़ने के लिए मैं उस टहनी पर चढ़ गया। तो डाली मतलब टहनी। आप और इस कविता के पोएट कौन है, कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बच्चा ये रीडिंग समझ में आया, किस तरह से रीडिंग करना है, किस तरह से शब्दार्थ करना है, आपको कंप्लीट समझ में आया? ओके। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आप ये कविता लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, लेकिन शुद्ध राइटिंग में। अपना खूब ध्यान रखें। प्ले अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार बच्चों।